इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, सैकड़ों वर्षों के लंबे संघर्ष और लाखों वीरों के त्याग बलिदान और उत्तर से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ। हमारा परम सौभाग्य है कि हमने दासता का दंश नहीं लेना है। हेलो हेलो, हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। हमें स्वतंत्रता स्वाधीनता वशिष्ठ में मिली है, इस बात के लिए हम सौभाग्यशाली। कल कुछ पंक्तियाँ इस अवसर पर लिखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आओ मिलकर हम आज़ादी का जश्न मनाएं, आओ मिलकर हम आज़ादी का जश्न मनाएं। नमन कर शहीदों के बलिदान को, भीतर में देश प्रेम जगावें। याद कर गांधी भगत सुभाष तिलक को, जीवन में समर्पण भाव बढ़ाएं। लहरा कर घर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। छोड़ आपस के झगड़ों को, अंतर में एकता की अलग जगाएं। ऊंच नीच के भेद मिटाकर उनमें समरसता का भाव जगाएं। अधिकारों के साथ बंद कर दो आप तो। अधिकारों के साथ बोध कर कर्तव्य का देश को सशक्त बनाए। कठोर परिश्रम व नैतिक जीवन से विश्व में भारत का मान बढ़ाने। वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष कर धरती को स्वर्ग सेवा समर्पण त्याग अपनाकर निज जीवन को सफल बनाए। सर्वे सन्तु निरामय की मंगल कामना कर नित संस्कृति को सार्थक बनाए। आओ आज मिलकर हम आज़ादी का जश्न। मित्रों, हर साल आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं 15 अगस्त को। आज विशेषता यह है कि 75वीं वर्षगांठ पूरी होने जा रही है। हम जश्न मनाएं, बिल्कुल जश्न मनाने का अवसर है। शहीदों के त्याग और बलिदान को नमन करें, किंतु इसके साथ साथ आज आत्मचिंतन का अवसर भी है। ये आत्मचिंतन करें कि पिछले 75 वर्षों में हमने क्या किया और क्या किया। 75 वर्षों का पीरियड कोई कम नहीं होता है। इस अवधि में हमने क्या पाया है और क्या खोया है, मैंने कुछ बिंदु पॉइंट आउट किए हैं। क्या क्या पाया है उसके संबंध में पहले बात करूंगा मैं। सबसे पहली चीज जो मिले हमें वो है डेमोक्रेसी। सदियों से भारत राजतंत्र और तानाशाही पद्धति से शासन व्यवस्था में रहा है। जनता पर हजारों वर्षों से अत्याचार होता रहा। पहली बार देश आज़ाद हुआ और अपन ने डेमोक्रेसी को अपनाया, प्रजातंत्र को अपनाया, यानी अपना शासक अपने द्वारा नियुक्त करना, और यदि मान लिया अयोग्य शासक हुआ उसको हटाने का अधिकार भी जनता को है। ये प्रजातंत्र अपनी पहली उपलब्धि है। इसे अपन कह सकते हैं कि अपन ने क्या पाया है, पहला जो अपन ने जीत प्राप्त की है वो डेमोक्रेसी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मिली है हमें संविधान के माध्यम से है वह मूला अधिकार। आप लोग जानते होंगे कौन कौन से मूला अधिकार हैं, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। मोटे मोटे तौर पर समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपन मजहब को भी मान सकते हैं,
वोट देने का अधिकार है। बाद में दो अधिकार और जोड़े गए हैं, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन का अधिकार, ये अधिकार भी हमें प्राप्त हुए हैं। बंधु महत्वपूर्ण ये है कि हम अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, बार पर आज अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, या कर्तव्य का बोध होते हुए भी हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तीसरा जो अपन ने पाया है वह तीव्र आर्थिक विकास। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी, अर्थव्यवस्था नेगेटिव थी, माइनस में थी अर्थव्यवस्था, वहाँ जीरो से अपन ने शुरू किया है और आज भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व में सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है, लगभग 8% की दर से बढ़ रही है, कोई अर्थव्यवस्था 8% की दर से ग्रो नहीं कर रही है, ये हमारे लिए गर्व की है। तीसरी चीज जो अपने पाई है वो है औद्योगिक विकास। पहले स्वतंत्रता के पहले सुई से लेकर के एरोप्लेन तक की सारी चीजें देश आयात करता था। मेरे को आश्चर्य हुआ घर पे जब मैंने एक पुरानी पेंसिल देखी, उस पे लिखा हुआ था मेड इन जर्मनी, पेंसिल पे लिखा हुआ था मेड इन जर्मनी, यानी पेंसिल भी अपन यानी बनाते थे, पेंसिल भी बाहर से, पेंसिल भी बाहर से आयात करते। ये दर्शाती है उस समय की जब हम आजाद थे, और आज आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भारत में नहीं बनती, सुई से लेकर एरोप्लेन तक सारी चीज़ें भारत बनाता ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करता है। कृषि में आत्मनिर्भरता, जहाँ तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात है, उस समय केवल इतना खाद्यान्न उत्पादित होता था कि अपन जनता का बड़ी मुश्किल से भरण पोषण करते थे। अब शायद पीछे गड़बड़ से तो ऊपर कोई यहाँ है नहीं, पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि 56 का काल अकाल और 96 का काल किस तरह से पड़ा, जिसमें लाखों लोग काल कल्पित हुए थे। उसका कारण क्या था कि भारत में अनाज की बहुत कमी थी और भूख से मर के लाखों लोग काल के गाल में चले गए। आज ये स्थिति नहीं है, आज ये स्थिति है कि भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और भारत पूरे विश्व का पेट भरने की स्थिति भी रखती है। अभी कोरोना काल में भारत ने काफ़ी गेहूँ निर्यात किया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इसे हम गर्व कर सकते हैं। सुदृढ़ परिवहन और संचार व्यवस्था, संचार के नाम पे जब भारत आज़ाद हुआ उस समय क्या था, पोस्ट कार्ड, लिफाफा और अंतर्देशीय पत्र, ये संचार के नाम पे व्यवस्था थी, टेलीफोन बहुत ही यूनिक यूनिक दिखाई देते। और आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल, पूरे देश से अपन जुड़ सकते हैं, पूरी दुनिया में मुक्ति में। परिवहन की बात करें, सड़कें बहुत कम थी, रेलवे की सुविधा बहुत कम थी, आज सड़कों का जाल बिछ चुका है और ट्रेनों की आवागमन बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुका है। हर क्षेत्र, हर गाँव, हर शहर परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हुआ, हर छोटे छोटे गाँव में पक्की सड़क की व्यवस्था, ये इस पर अपन गर्व करते। विश्व में सम्मान, जब भारत आज़ाद हुआ विश्व में भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, आज विश्व में क्या स्थिति है आप हम सभी जानते हैं, भारत अपना मस्तिष्क ऊंचा करके शांत चल सकता, अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा है, और ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया जाता, ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। और शीघ्र ही हम UNO के परमानेंट सदस्य भी बनने वाले हैं, ये भी अपने लिए गर्व की बात है। सशक्त सेनाएं, सेनाएं कुछ नहीं थी अंग्रेजों की, उस समय की जो सेनाएं थी उसको बहुत कम सेना विकसित कर दी, न अपने पास में उपकरण थे, न शस्त्र अस्त्र। आज स्थिति ये है कि भारत बाहुबल में, सैनिक बल में विश्व में सही स्थान रखता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। शैक्षिक स्तर की बात करें तो हमारी दादियाँ
उस जमाने की है, वो क्या थी, पढ़ी लिखी थी क्या? केवल अंगूठा लगाना चाहते महिलाओं में शिक्षक साक्षरता का अनुपात नहीं के बराबर था। ओवरऑल महिला और पुरुषों का जो साक्षरता अनुपात था जब भारत आज़ाद हुआ उसमें 15% के आसपास, और आज ये कितना बढ़ चुका है, 80% तक हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये 73%, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सशक्ति युवा शक्ति, विश्व सबसे ज़्यादा युवा शक्ति जिसे कहते हैं एनर्जी का दूसरा नाम, एनर्जी का पर्यायवाची, वो भारत के पास है। हम चाहें तो विश्व में अग्रणी बन सकते हैं, प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, बेशर्त कि अपने पास जो ऊर्जा है, आप लोगों के भीतर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जगाने की आवश्यकता है, उस ऊर्जा का उपयोग लेने की आवश्यकता है। बिंदु इसके अलावा और भी कई मित्रों, इसके अलावा और भी कोई कई पॉइंट हैं, पर सत्य विवेचन नहीं करूँगा। ये जो मैंने बिंदु गिनाए हैं इन सभी पर हम गौरव कर सकते हैं, आत्माभिमान कर सकते हैं, स्वाभिमान हो सकता है। पर इसका श्या पक्ष भी है, इसका एक काला पक्ष भी है, जिसके लिए आज हमें को चिंतन करना है। क्या पाया ये तो अपन ने देख लिया है, क्या खोया है ये भी अपने आज देखना चिंतन करना है। पहली चीज जो अपन ने खोई है वह है ईमानदारी और नैतिक मूल्य। आज हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑफिस में अपने को काम करवाना हो तो रिश्वत की राशि देनी पड़ती, पैसे देने पड़ते। ईमानदारी को भी कहीं ईमानदारी नजर नहीं आ रही है। अगर ईमानदारी है तो केवल डर की वजह से कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, कुछ लोगों को छोड़ दें, कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, काम कर रहा है इस वजह से कर रहा है, जिसको देख रहा है उसका कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है इसलिए काम करना चाहता है, बाकी जब भी अवसर मिलता है काम चोरी करेगा, बेईमानी करेगा। ईमानदारी भारत से लुप्त होती जा रही है, यही कारण है कि विश्व में अपन अग्रणी स्थान प्राप्त नहीं कर पाए। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतने संसाधन अपने पास है, उसके बावजूद भी अपन पिछड़ रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार, बेईमानी। आज देख लीजिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें मिलावट नहीं होती, खाते हुए डर लगता है। सब्जियों में देख लीजिए, फ्रूट्स में देख लीजिए, खाद्यान्न में देख लीजिए, हर चीज में मिलावट होती है। गेहूँ जो अपन खाते हैं उसमें केमिकल मिला हुआ, उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ, दूध जो पीते हैं वो भी आर्टिफिशियल दूध है, उसमें कई चीज कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न उठता है कि क्या 75 वर्षों में अपन ने ये चीज़ पाई है कि अपन खाने लायक की चीज़ सामग्री पैदा नहीं कर पा रहे हैं, पानी शुद्ध नहीं है अपने पास, क्या खाएं और क्या पिए, ये बड़ा संकट का विषय है। दूसरी चीज जो अपन ने खोई है वह है प्रेम और समरसता। देख लीजिए अपन कितनी प्रोग्रेस कर लें, कितनी प्रगति कर लें, परिवार में भी अपन कितनी आर्थिक प्रगति कर लें, कितना ही पैसा कमा लें, पर अगर परिवार में सदस्यों के बीच में समरसता नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो स्वर्ग नहीं वो नरक है। भले कम ही कमाए, बच्चों को मैं ही कहता हूँ, कई बार पसंद में ही कहता हूँ कि बच्चों जरूरी नहीं कि आप IAS बनो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े अधिकारी बने, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े उद्योगपति बने, पर ये ध्यान रखना है घर में कितना ही कमाएं, कम ही कमाएं, पर घर में शांति शांति संतोष बनाए। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में तलाक हो रहे हैं। जब परिवार में झगड़े होंगे, घर में झगड़े होंगे, तो उसका असर समाज पर तो निश्चित रूप से आएगा। और आज अपन समाज में देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा। जब तक समाज में समरसता नहीं होगी, जब तक समाज में प्रेम नहीं होगा, तो ये आर्थिक प्रगति बेईमानी है, इस आर्थिक प्रगति का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये चीज़ अपन ने कही है, इस पर भी आज अपने को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अपन आपस में प्रेम बढ़ाएं, आपस में समरसता बढ़ाएं। एक चीज अपन ने जो कही है मजबूत चीज़ परस्पर विश्वास। आज विश्वास नहीं, कहीं भी विश्वास नहीं है, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो आपको विश्वास नहीं है इसमें जो कंटेंट्स लिखे हैं वो कंटेंट्स है। आज अपने पिता को विश्वास नहीं कि मेरी पुत्री जा रही है सुरक्षित है अथवा नहीं। आपस का विश्वास का जो ताना बाना है वो टूट चुका है, और जब तक विश्वास नहीं होगा अपन कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर आपको है विश्वास है तो अपन कोई कार्य नहीं कर सकते। तो अपन ने इस 75 वर्षों में आपसे है विश्वास की स्थिति पैदा की है, विश्वास खोया। देश प्रेम
तराने तो अपन देश प्रेम के खूब गाते हैं, खूब देश प्रेम के नाटक भी मंचित होते हैं, खूब कहानियाँ लिखी जाती, कविताएँ लिखी जाती हैं, पर एक्चुअल में देश प्रेम कितना है ये अपन स्वयं का मन कट होते हैं। देश के लिए अपन कितना कर सकते हैं केवल गानों में न करें, यथार्थ में जब भी अपने को अवसर मिले देश के लिए अपन कितना कर सकते हैं। आज देश फर्स्ट नहीं है, आज देश सेकेंडरी है। राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों के लिए देश सेकेंडरी है, पार्टी फर्स्ट है। कई न प्रकार उनको सत्ता प्राप्त कर लेंगे, चाहे उसके लिए देश के जो मूल्य हैं उनको बलि देना ही क्यों न पड़े। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही, बिल्कुल गलत है। जनता को आप क्या मना रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर, जनता को कर भी मना रहे हैं। जब मुफ्त का खाने को मिल जाता है दोनों टाइम पेट भर जाता है, व्यक्ति काहे को परिश्रम करेगा। आप देहात के बच्चे हैं, देहात के क्षेत्र में रहते हैं, देहात में एक स्कीम चल रही है मनरेगा, जानते हैं मनरेगा में क्या होता है? आप सभी के हृदय में इस बात का जानकारी, इस बात की मन में जानकारी है कि मनरेगा में क्या होता है। कई क्षेत्रों में मनरेगा में श्रमिक आते हैं, एक दो घंटे के लिए आते हैं, थोड़ा बहुत जीवा पोती कर लेते हैं और जेसीबी मशीन वाले को बुला करके जेसीबी से कार्य संपन्न करवाते हैं। ये अपना करेक्टर है, ये अपना देश प्रेम। क्या करेंगे फिर, उनकी ऊर्जा का कोई उपयोग हो रहा है? बंधुओं बहुत ही गंभीर विषय है, अपने को चिंतन करने की आवश्यकता। जब तक अपन देश के लिए समर्पित नहीं होंगे, अपने की 100 रुपये की लाभ के लिए देश का 1000 रुपये का नुकसान करवा देते हैं। बस में जा रहे हैं, 200 रुपये का टिकट है, बस वाला अपने से 100 रुपये ले लेता है और अपन टिकट नहीं लेते, 100 रुपये उसकी जेब में जाने देते हैं। ये अपना राष्ट्रीय प्रेम, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आती है राष्ट्र प्रेम आवश्यकता। जब तक मन में राष्ट्र प्रेम नहीं होगा तब तक देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है। राष्ट्र प्रेम की भावना कम से कम इस अवसर पर अपन याद करें कि कितने लोगों ने बलिदान दे करके, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, कई वर्षों से बलिदान देते आए हैं, तब जाकर के अपन आज खुली हवा में इस प्रजातंत्र की खुद खुली हवा में साथ ले पा रहे हैं। उसको चिंतन करने की आवश्यकता है, अपने लिए मनन करने की आवश्यकता है। एक चीज मैं आप लोगों को लिखना चाह रहा हूँ, एक चीज जो कनेक्ट हुई है वो है स्वास्थ्य। मित्रों दिखने में हम सब युवा लग रहे हैं किंतु अपना स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य चौपट हो चुका। आज ये सर्वे किया गया उसमें आया है कि लगभग 40% से 50% युवा नशे की हालत में, नशे से जुड़े हुए हैं। जब तक अपन नशे से मुक्त नहीं होंगे, विदेशी ताकतें लगी हुई थी, भारत जो एनर्जी वाला देश है, भारत में जो युवा शक्ति है उसकी एनर्जी को कैसे न कैसे कम किया जाए, और उसके लिए नशे की खेप आती है और अपन नशे की प्रवृत्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका परिणाम ये होता है कि स्वास्थ्य कितना चौपट है। तो मित्रों ये बहुत ही सोचने की आवश्यकता है कि आप लोग नशे की प्रवृत्ति से बिल्कुल दूर रहें, नशे से बिल्कुल दूर रहें। अगर नशा करते हैं तो आज ही संकल्प लेके जाएं कि हम इसको भविष्य में छुएंगे। और एक आप लोगों में एक बहुत बुरी लत पड़ी है, वो है मोबाइल, ये भी नशे से कम नहीं। आप नहीं सोचते कि मोबाइल कितना नुकसान करता है। आप क्लास में बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ पे है? मोबाइल में है, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है आपका ध्यान होगा? आपका ध्यान क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया क्या हुआ क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं होगा, आपका ध्यान होगा मोबाइल। आप यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो जो युवा पीढ़ी की उच्च शक्ति पर अपन नाज करते हैं, उस युवा पीढ़ी को शक्ति को छीनने वाला, अपनी मानसिक शक्ति को कम करने वाला सबसे बड़ा उपाय। उपयोग करें, बेशक उपयोग करें, पर इसका पॉजिटिव उपयोग करें और मिनिमाइज उपयोग करें जहाँ आवश्यक है वहीं इसका उपयोग अति सर्वत्र वर्धे। इसलिए ये अपन ने खोया है स्वास्थ्य, खोया है स्वास्थ्य बढ़े। स्वास्थ्य के संबंध में क्या खाना है क्या पीना ये कोई जानकारी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी की अभी गाड़ी में आ रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि बच्चे रात को 12-1 बजे तक जागते रहे और सोते, और उठते कब हैं? 8 बजे 9 बजे
न सोने का सही टाइम है, न उठने का सही टाइम है, न खाने का सही टाइम है, कितने बजे खाते हैं रात को, पशु भी खाना छोड़ देता है। कई बार ट्रेन में सफर करते हैं उस समय देखते हैं कि व्यक्ति 4 बजे पूरी सब्जी खा रहा है, 4 बजे का खाने का टाइम, ये बिल्कुल अपने को बोध नहीं है क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और न सही समय पर उठने का बोध है, नहीं सोने का समय उसकी जानकारी है। इन सभी कारणों से अपना स्वास्थ्य चौपट तोड़ा जा रहा है, इस पर भी अपने को चिंतन करने की आवश्यकता है। ये शास्त्र में कहा गया है ये करेक्टिव इज लॉस्ट, सॉरी ये हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपने स्वास्थ्य खो दिया है तो बहुत कुछ खो दिया है, और यदि आपने करेक्टर खो दिया है तो सब कुछ। एक चीज और जो अपने को ये वह शांति और मन की, अपन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें पर राष्ट्र में शांति की स्थिति थी, राष्ट्र के किसी न किसी कोने में हरदम तंगे फसाद झगड़े होते ही रहते। और किस बातों पर, अगर मान लो अपन उन बातों का चिंतन करें कि झगड़े किस वजह से हो रहे हैं, तो उनकी जड़ में देखा जाए तो बिल्कुल छोटी सी बातें हैं। शायद बच्चे भी उन बातों को लेकर के नहीं झगड़े, उन बातों को लेकर के कम झगड़े, अश्वस्थ बातों को लेकर के झगड़े। जब तक अपना आपस का झगड़ा बंद नहीं करेंगे तब तक देश में शांति और मन की व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। आज इतनी पुलिस फोर्स लगी हुई है, सब जगह इतनी फोर्स लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, क्या आवश्यकता है इतनी? अपन कोई जानवर तो है नहीं जो अपने को गिरने की आवश्यकता है, इंसान है, इंसान को इंसान से प्रेम नहीं है, छोटी छोटी बातों को झगड़ा कर रहे हैं और देश की शांति का झगड़ा। एक और बहुत बड़ी जो चीज़ अपन ने खोई है सहिष्णुता, इसी से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने बताई थी, इसी से जुड़ी हुई चीज़ें, सहिष्णुता बिल्कुल नहीं है। आज व्यक्ति क्या बन चुका है, छोटा सा छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा नहीं है, छोटी सी बात में उत्तेजित हो जाता है। बारूद का ढेर में बैठे हुए हम, यही कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा वाक्य याद आ रहा है कि जो दिया सलाई होती है उसमें क्या होता है, सिर तो होता है, दिया सलाई में क्या होता है, सिर तो होता है पर उसमें दिमाग नहीं होता। आज ये स्थिति हमारी दिखने में हम सब मनुष्य नजर आ रहे हैं, हमारे में सब में सिर है, सोचने समझने की क्षमता है पर दिमाग नहीं है कि जो अपन कृत्य कर रहे हैं, जो देश के भीतर अपन अशांति फैला रहे हैं, झगड़े की बात कर रहे हैं, उसका अपने पर क्या प्रभाव पड़ता है, देश पर क्या प्रभाव। देश की बात छोड़िए, सबसे पहला जो नेगेटिव पड़ता है वो अपने स्वास्थ्य पर पड़ता है। मैंने व्यक्ति को गुस्से के कारण मरते हुए देखा, खाली गुस्से के कारण विद इन 2 सेकेंड्स। जो चीज़ अपने को नुकसान पहुँचा रही है उस चीज़ पर क्यों नहीं अपन परित्याग करते, अपने भीतर सहिष्णुता का भाव बढ़ाए, सहनशीलता का भाव बढ़ाए। जापान में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था जिसका 200-300 परिवार के सदस्य थे। उसका मुखिया जो 100 साल से ऊपर था, उसको पूछा गया कि आपका इतना बड़ा कुंबा है, उस कुंबे का रहस्य क्या है। उनको बोलने में दिक्कत आती थी, उन्होंने एक पेन पेपर मंगवाया और उस पर लिखना शुरू किया, पूरे पेपर को पढ़ डाला। और जब उस पेपर को देखा गया, उस पेपर में एक ही शब्द लिखा हुआ था, सहनशीलता। हमारे परिवार के सभी सदस्यों में सहनशीलता है, हम एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन का भाव रखते हैं। मित्रों, यदि अपने को शांतिमय जीवन जीना है, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने जीवन को सहिष्णु बनाना है। छोटी छोटी बातों पर, अरे बस की सीट को लेकर के झगड़े हो जाते हैं, चाकू वाली हो जाती है, बस की सीट इतनी बड़ी है कि तुम शांति चाह रहे हो, 2 मिनट के लिए कोई खामोश नहीं हो सकते हैं। गुरुश्चय करके बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, जब वो मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुला करके कहा कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी चीज़ तुम्हारे भविष्य में लेके जा रहा है, क्या चीज़ का ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, अगर तुम्हारे को कोई गाली दे या तुम्हारे को अपमानित करें,
उसका जवाब तुरंत मत दे, जवाब देना से मना नहीं कर रहा हूँ, उसका जवाब देना, उसका जवाब 24 आवर्स के साथ। ये शिक्षक उस समय इतने आक्रामक हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों में मर्डर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लगता है सुसाइड हो जाता है। घर में माँ बाप ने टोक दिया, कुछ कह दिया, अंदर जा करके फांसी के फंदे पर चले, ये क्या बात हुई यार? माँ बाप को कहने का अधिकार नहीं, फिर कौन कहेगा? आपके बड़े बुजुर्ग नहीं गए तो कौन तक टोकेगा? थोड़ा सा टोका नहीं, रस्सी से अंदर लगा लिया। मित्रों, ये अशिक्षणता अपने जीवन में बहुत खतरनाक हो सकती है। ये अपन ने पिछले 3 सालों में ये चीज़ हुई है, इस चीज़ को अपने प्राप्त करने की आवश्यकता। महिलाओं के प्रति सम्मान बहुत बड़ी चीज है, महिलाओं के प्रति सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अपन आपसी समानता की बात करते हैं कि महिला और पुरुष समान है, किंतु ये केवल कहने में समान, महिलाओं के प्रति आज भी दुर्व्यवहार होता है। न महिला खेत में सुरक्षित है, न अपने घर में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न स्कूल कॉलेज में सुरक्षित है। इसके लिए समाज को, समाज सोसाइटी को चिंतन करने की आवश्यकता है कि आज कोई बेटी है तो अपनी बेटी बने, मगर दूसरे की बेटी है उसको अपन अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं मान सकते? बहन है, लड़की किसी न किसी की तो बहन नहीं होगी। निर्भया कांड होते हुए अपन देख रहे हैं, किसी न किसी की बहन नहीं है, उसको अपन बहन के समान नहीं मान सकते। इतना दर्द होता है जब इस तरह की घटनाएं घटित होती है। इस बात पर जितना सोचने की आवश्यकता है कि महिलाओं के प्रति अपन नजरिया बदलें, उसे कमोडिटी नहीं, कमोडिटी नहीं माने, वो वस्तु नहीं है, वो किसी जात की मिसाल है, शक्ति है ये। और अपने समाज में, अपनी संस्कृति में तो महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया है। नाम आता क्या था? श्रीमती श्रीमान, पहले महिला नाम था। सत्य की पूजा किसकी पूजा होती है? महिलाओं की पूजा। जितनी भी शक्ति पीठ है उसमें सब महिलाएं पुरुष नहीं है। तो जब अपन भारतीय संस्कृति में इतना ऊंचा स्थान देते हैं, उन्हीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते समय, गलत आचरण करते समय थोड़ा बहुत भी चिंतन नहीं करते हैं, ये शक्ति की अवधारणा, मतलब शक्ति की पूजा करें अपन, ये शक्ति का स्वरूप है, इसको शक्ति के रूप में माने। तो मित्रों, ये की सारी बात नहीं, वो चीज़ें अपने पाई है, उनके गौरव होने की आवश्यकता है, बिल्कुल निश्चित रूप से गौरव करें और उस चीज़ों को और आगे बढ़ाएं ताकि देश और प्रगति कर सके। पर जो चीज़ें देश में पहले थी, आज उन मूल्यों का नाश होता जा रहा है, जो कम होती जा रही है, जो अपन खो रहे हैं 75 सालों में, जो अपन ने खोया है, उस पर गहरे से चिंतन करने की आवश्यकता है। आप कोई भी फ्रूट खरीदते हैं, फ्रूट दिखने में बहुत सुंदर होता है, अच्छा लगता है, अगर खाते हैं तो उसे मिठास बिल्कुल नहीं है। आधार फ्रूट बड़ी इसकी हो रही है क्या? आपको फ्रूट अच्छा लगे? केवल उसकी सुंदरता से अपन खरीद जरूर लेंगे, पर जब तक उसके अंदर मिठास नहीं होगा, आज समाज में यही हो रहा है, अपन प्रगति कर रहे हैं, बिल्कुल आंकड़े बहुत ऊँचे ऊँचाई पर ले जा रहे हैं, खराब जाएगा 3 रुपये की तरफ खराब जाएगा, पर अपन आत्मचिंतन नहीं करते हैं कि आज हमारे परिवार के बीच क्या स्थिति है, समाज के बीच क्या स्थिति है। जब तक हम अपने मूल्यों को, जो नैतिक मूल्य है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, उन चीज़ों को अपन धारण नहीं करेंगे, मन में उतारेंगे नहीं, तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता है, समाज आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने कितना ही दम बढ़कर पढ़ लें कि हम 5 अग्रणी राष्ट्र में आ जाएंगे, उस समय बाद हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, सकता ही नहीं। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, आप फॉरन में जाके देखिए, विदेशों में जाके देखिए, वहाँ कितनी ईमानदारी, कितना वो ध्यान रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना भूल गया, आज अपन ने खोया है शुद्ध हवा को, नहीं शुद्ध जल खोया है। किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ सांस लेने की, सांस लेने में दिक्कत आती है, अधिकांश जो बीमारियाँ हो रही है, अभी कोरोना का जो कोरोना ने जो अपना कमाल दिखाया, किस वजह से दिखा पाया? कि अपने फेफड़े बहुत कमजोर हैं। फेफड़े कमजोर क्यों हैं? कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, पेड़ नहीं लगाते हैं। अपने को थोड़ा सा मैंने बताया था कि अपने थोड़े से इलाज के लिए वायुमंडल को दूषित कर देते हैं, जल को दूषित कर देते हैं। आप गिलबड़ा मार के चलिए, चित्तौड़ रोड पर चलिए, सारे जो प्रोसेस हाउस है उनको देखिए, क्या चीज़ की श्वास ले सकते हैं। नदियों का जल जहाँ भी खोदो वहाँ पानी में केमिकल निकलता है,
इसे नहीं करते। कुछ व्यक्ति अपने लाभ के लिए कितना देश की जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर लगाम लगाई आवश्यकता है। तो सरकार भी लगाम लगाए और अपन खुद चिंतन करें, अपन खुद आगे बढ़ें और इन सभी चीज़ों को बंद करने की कोशिश करें। आशा है मैं अभी मेरी छोटी सी बात में आपको कुछ कह पाए। हम सभी इंक्लूडिंग भी अपन चिंतन करेंगे और जो अपनी जो हमारी कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आज अपन संकल्प लें कि सभी कमियों को सभी बुराइयों को एक साथ नहीं दूर नहीं किया जा सकता है, पर जितना संभव हो सके इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।